साथ आ गए और हम शूटिंग में चले गए, आपके कुछ वाक्य किसके साथ आए, तो इन्होंने बोला नहीं वीडियो है, आप लोग ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हो वीडियो। सो कहाँ से आए आप लोग मिलने? गुजरात से। गुजरात से, तो लास्ट टाइम तो पानीपुरी आई थी सर के लिए गुजरात से। वो सूरत वाली फैमिली। सूरत वाली फैमिली। सर आप भी गुजरात से? हाँ गुजरात से। अच्छा, तो आप स्पेशली सर से मिलने आए? आप सर से मिलने आए। तो कितने बड़े फैन हैं? मतलब फैन तो वो कैसे बताएं आपको, कितने बड़े, बहुत बड़े। सर इतने लाइक कर रुद्राक्ष यार, मैंने भी दिया है करने को आज। सर सर मैं भी पहली बार भी करने के लिए, एक्चुअली सोने का चैन था मेरा, लेकिन वो सोने का वो अच्छा नहीं था, तो मैंने वो सोने का चैन निकाल के फिर मतलब चांदी का चैन बनाऊँ जैसे चांदी में। सो अजय सर इतने दूर दूर से आपके फैंस हैं, आपसे जो मिलने आते हैं, तो इन फैंस को देखकर आप कैसा कैसा फील करते हैं? हजम ही नहीं होता। हजम नहीं होता, बचता नहीं है। मतलब हम खुद जब बचपन में थे तो फैंस रहे, लेकिन हमने कभी इतनी पागलपंती नहीं की है कि मतलब गुजरात जाए या कहीं नासिक, मतलब महाराष्ट्र छोड़ के, या अपने चेयर से नहीं उठे हम। तो शायद हमारे दिमाग में ऐसा, सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा होता कि हम खुद एक्टर बनेंगे, हमारे पास फैन आएंगे, ऐसा कुछ चलता होगा इसीलिए। लेकिन एक हाथ की बात, मतलब जैसे कि मैं मराठी हूँ तो मैं निलू फुले जी इनका बहुत बड़ा फैन, तो मुझे भगवान ने वो एक मेरी इच्छा पूर्ण कर दी कि उनके साथ कुछ काम करें। तो उनकी आखिरी फिल्म थी गली गुंदर दिल्ली मुजरा, नहीं गोष्ट छोटी डोंगरा एवड़ी, ये फिल्म थी। अरविंद जगताप ये राइटर थे और मकर नानासपुरे उसमें लीड कर रहे थे, सायजी शिंदे उन्होंने प्रोड्यूस की थी। तो मैं कुछ सीन के लिए उनके साथ था और मैंने देखा उनको काम करते हुए। जब एक्शन से पहले बहुत ही नॉर्मल, एंड जैसे एक्शन होता है आई गो, मैं मतलब अपना कैरेक्टर सब कुछ छोड़ के मैं उनको ही देख रहा था। और जो उन्होंने वन शॉट दिया है और जो परफॉर्म किया है, बाप रे। नागेश भोसले सर डायरेक्टर थे उस फिल्म के, तो वो भी एकदम से भावुक हो गए। हम तो मतलब भूल ही गए हम शूट कर रहे हैं, हम उन्हीं को देख रहे हैं। और उस फिल्म के बाद वो छल्प से बहुत बुरा लगा, और मैंने उन्हीं के साथ फ़ोटो खींचा है। और बच्चन जी के साथ तो मेरी फ़ोटो है ही, वो तो बहुत कमाल की। बच्चन जी ने मुझे बहुत ही प्यार से गले लगाया, अभिषेक को भी इतनी गले प्यार से गले से नहीं लगाते होंगे जितना मुझे लगा। तो वो बहुत ही एक्सीडेंटली फ़ोटो खींची गई है और मेरे पास आई है, क्योंकि मेरी वाइफ और मेरे पास तो कैमरा था लेकिन उसमें चार्जिंग नहीं था उतना, तो मेरा फ्लैश नहीं हो रहा था। तो बच्चन जी बोले कि मेरा फोटोग्राफर है उनसे खिंचवा दो। फिर मैंने उसको कांटेक्ट करके भाई फ़ोटो भेज, तो बच्चन जी से इजाज़त नहीं कि उनको भेजनी पड़ती थी, तो उन्होंने भेजी, तो ये भी फ़ोटो भेज दी। मैं बोला वाओ, सो आई एम लकी। तो फैंस आते हैं दूर से, बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है कि हमें एक जो काम, हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो रहा है, फैल रहा है, मतलब गुजरात कलकत्ता आसाम महाराष्ट्र से बाहर जा रहा है, शायद इंडिया से भी बाहर जा रहा है थोड़ा बहुत, मतलब पाकिस्तान दुबई पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा फैंस हैं पाकिस्तान में, जहाँ शायद टीवी शायद नहीं आता। पाकिस्तान तो हमारे भाई है, हमारी है, वो कहाँ जाएंगे कहाँ, एक दिन तो भारत में आना है उनको, देखो अखंड भारत हो जाएगा फिर तो। पाकिस्तान दुबई हो गया, अब बांग्लादेश हो गया, हाँ, और श्रीलंका, श्रीलंका वाले कुछ तो बोलते हैं कि सर मेरा नाम बुलवा दो प्लीज एक बार कोई भी, बट इतने सारे नाम होते हैं ना कि लेना बहुत मुश्किल होता है। सो आप पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश के फैंस को क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी बांग्लादेशी दुबई के फैन, श्रीलंका, श्रीलंकन फैंस, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और उनकी सेहत के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके खुदा से, उनके परिवार के लिए, और उनके अच्छी सेहत के लिए और अच्छी आमदनी के लिए। आजकल श्रीलंका में जो चल रहा है उससे वो श्रीलंकन फैंस उभर के आए हैं, ऐसे में खुदा से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ तहे दिल से, शुक्रगुजार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।